वेलकम बैक टू द चैनल एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। तो मैंने सोचा था भाई वीडियो का स्टार्ट यहीं से करूं, क्योंकि यहाँ से ना भाई हमारा इंडियन फ्लैग दिखता है। ये देख सकते हो भाई पटना जंक्शन है एंड ये रहा भाई इंडियन फ्लैग, तो सैल्यूट टू दैट। एंड आज मैं अकेले राइड कर रहा हूँ सोलो, क्योंकि सुबह से ना भाई काफ़ी ज़्यादा कॉल आ रखे थे ग्रुप में राइड करने को, बट ग्रुप में राइड करना भाई मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत पंगा हो जाता है यार। बहुत टाइप से लोग राइड करते हैं, बहुत लोग का भाई कुछ कुछ ऐसा सीन होता है कि ऐसा चलाना है वैसे चलाना, भाई मेरे से वो चीज़ नहीं हो सकता। आई एम इंडिपेंडेंट, मैं एकदम फ्रीली राइड करता हूँ एंड दैट्स द रीज़न मैंने सोचा क्यों ना सोलो राइड करते हैं, आप लोगों को पूरा पटना घुमाते हैं। मस्त, क्या माहौल है आज का। ऑल द टाइम इज़ ऑलमोस्ट 1 PM, मतलब दोपहर के 1 बजने वाले हैं। तो अच्छी बात तो ये है कि आज ट्रैफिक कम मिलने वाली है हमारे लिए। और ये जितने भी पोल्स दिखे ना सारे में स्ट्रिप लाइट्स लगे पड़े हैं ट्राई कलर कलर के, तो रात में ना भाई ये पूरे लिटअप जब होते हैं बहुत ही प्यारे दिखते हैं, बहुत ही मस्त वाले एकदम। मैं जिस दिन आया था ना दिल्ली से एयरपोर्ट से जब जा रहा था, तो भाई इसी वाले रूट से जा रहा था, तो मैंने देखा तो मुझे लगा भाई हाँ कुछ तो भाई अच्छा हुआ है, देख कर अच्छा लग रहा था काफ़ी। सोलो राइड करने का सबसे बेस्ट चीज़ क्या है ना भाई, आपको ना किसी का सोचना नहीं है, लेफ्ट राइट कोई भी आने वाला नहीं है, आप फ्रीली एकदम आराम से राइड कर सकते हो। ग्रुप में प्रॉब्लम ये होता है यार कौन लेफ्ट से आ रहा कौन राइट से आ रहा, और सब लोग भाई रैश करते हैं, तो इस वजह से मैं सोचता हूँ भाई ग्रुप राइड से बेटर है सोलो ही राइड कर लो। इनफैक्ट ये सारे दिन ना, तो खास करके क्योंकि इन सब दिन में ना सब लोग को भाई शो ऑफ करने के चक्कर में पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है इस चीज़ को लेकर के, भाई वो लोग भी अगला को देखकर कॉपी करने लगते हैं कि ये बंदा ऐसे चला रहा तो मुझे भी ऐसे चलाना है। तो दैट्स द रीज़न मैंने बोला कि नहीं यार मैं कोई ग्रुप राइड वगैरह नहीं करने वाला। अकेले राइड करने में ना, वो भी ऐसे दिन जिस दिन ट्रैफिक ना हो बिल्कुल। आप देख सकते हो आज के दिन ट्रैफिक बहुत ही कम है सड़कों पे। मैं ना रात को ना काफी लेट लेट से सोता हूँ, तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाता, ये भी एक रीजन है मैं मॉर्निंग राइड नहीं करता हूँ। एंड मैं सोच रहा हूँ भाई अपना एक और जो दूसरा चैनल था, जो भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता होगा हाई ऑन व्हील्स करके, उस चैनल को ना नाम उसका बदल के स्ट्रीट बर्नर शॉर्ट्स कर दो, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि शॉर्ट्स वाले वीडियोस ना अपलोड करूँ। अगर आप लोग कमेंट करोगे यार कि शॉर्ट्स की वीडियो चाहिए, क्योंकि देखो हम लोग ना डेली ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं, डेली ऑलमोस्ट रेगुलर वीडियोस होते ही हमारे, तो उसके कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो एक ना एक अच्छा शॉर्ट हर वीडियो से निकल ही सकता है। वरना कुछ अगर हम लोग जो रील्स वगैरह डालते हैं इंस्टाग्राम पे उसको हम लोग शॉर्ट्स वाले चैनल पे डाल सकते हैं, तो बस आप लोग का प्यार चाहिए। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट डाउन करोगे तो भाई शॉर्ट्स का भी चैनल अपन बना देंगे। खाली स्ट्रेच मिलता ना तो बाइक भगाने में मज़ा भी आता है, वरना भाई ट्रैफिक तो ऐसा आजकल होने लगा पटना में। पटना की सड़कों पे बाइक राइड करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, और कार अगर आपके पास है तो फिर तो भूल ही जाओ। ये भाई यहाँ किस चीज़ का ट्रैफिक लगा पड़ा है, कुछ कांड हो गया क्या? आई थिंक सो, कुछ तो हुआ है। ओके, कार वगैरह की रैली निकली पड़ी है फ्लैग लेकर, अच्छी बात है अपन बाइक से, अगर कार वगैरह से होते तो भाई बहुत बुरा फंस जाते इसमें।
भाई इतनी ट्रैफिक से निकल गए अपन, और ये देखो क्या हुआ पड़ा है, नेक्स्ट लेवल ट्रैफिक लगा पड़ा। और जो इतनी बड़ी रोड है तब जाकर लोग निकल भी पा रहे, वरना अगर मैं कार से वहाँ टिक्का होता तो भाई पता नहीं कब निकलता। अगर अभी मैं अपने फ्रेंड वगैरह के साइड राइड कर रहा होता ना तो मुझे भाई आगे आके रुकना पड़ता उनके लिए कि अब वो लोग निकलेंगे तब आगे बढ़ूंगा। वैसे कुछ भी कह लो मजा काफी आता है ऐसे राइड करने का। बहुत लोग पूछ रहे थे यार आपने कार की बात करी थी, कार कब ले रहे हो, कार कब ले रहे हो, तो लास्ट वीडियो में यार मैंने ना सारा कुछ क्लियर आउट कर चुका है कि कार कब आएगी एंड कौन सी आएगी, सारा कुछ मैंने बता रखा है। तो जिन्होंने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है गाइज, ऊपर आई बटन में लिंक आया पड़ा है, वहाँ पे जाके टैप करो एंड पूरा वीडियो कंप्लीट देखना, तब जाके आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा कि क्या क्या सीन हुआ, हम दिल्ली गए एंड उसके बाद वहाँ पे क्या क्या सीन हुआ, कार हमने अभी क्यों नहीं लिया, कार कब आएगी एंड कौन सी कार आएगी, ये सारा कुछ मैंने बता रखा। दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा भाई, मोस्ट प्रोबेबली चांस ऐसा हो सकता है कि फिर से मुझे इसी मंथ के एंड में मतलब जनवरी के एंड में दिल्ली जाना पड़ सकता है फॉर 1 or 2 days। वो क्यों जाना है वो आपको अपकमिंग डेज में ज़रूर पता चल जाएंगे। तो चलो अभी आगे चलते हैं आगे की तरफ। यार मेरा मन नहीं करा मरीन ड्राइव की तरफ जाने में, क्योंकि उस तरफ ना काफ़ी ज़्यादा रश होता है और अभी के टाइम में ना भाई बहुत सारे भाई ऐसे राइडर्स भरे पड़े होंगे जो बिल्कुल केयरलेस टाइप राइड करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आगे से यू टर्न लेकर इधर से वापस जाने को, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता उधर जाकर फिर फालतू का चक्कर मारने का। ओह माय गॉड, ये चीज़ मैंने आज नोटिस किया भाई कि यहाँ पे ब्रेकर आ चुका है, पहले ये ब्रेकर नहीं हुआ करता था। से मैंने ले लिया गाइस यू टर्न एंड नाउ गोइंग बैक। मैंने सोचा था रील्स वगैरह शूट करूंगा बट ऐसा कोई माहौल नहीं लग रहा है कि यहाँ पे रील वगैरह शूट हो पाए। मुझे सच्ची बताना यार, मेरा ना अब इस बाइक से भाई सच बताओ तो मतलब वो हो गया, ख़त्म हो गया भाई फियर, और ख़ास करके जो होना चाहिए लाइक इस बाइक का जो पावर है वो मैंने बहुत ज़्यादा फील कर लिया, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। आई वॉन्ट समथिंग अपग्रेड, इससे कुछ ना अपग्रेड वेरियंट अब चाहिए मेरे को। तो देखो कब आएगा कैसे आएगा, लेकिन बहुत ही जल्द आएगा। बच्चों का रिएक्शन देखो कार में कैसे दे रहे हैं। कितनी भी भाई बड़ी कार चला लो, मतलब नॉर्मली मैं बता रहा हूँ फॉर्चुनर चला लो या कोई भी इस लेवल की कार 40-50 लाख रुपए की, बट अगर आप एक सुपर बाइक राइड करते हो ना तो उसका फन जो है और उसका जो मज़ा है, उसका जो रोड प्रेजेंस है वो बिल्कुल अलग होता है। ये चीज़ मैं आप सबको बताता हूँ। बहुत लोग ये भी कहते हैं ना कि इतने में कार आ जाती, तो भाई कार क्यों नहीं लेनी, वो चीज़ तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि कार क्यों नहीं लेनी थी। पहले मेरा एक ड्रीम था कि अपने पास एक सुपर बाइक आ जाए पहले, उसके बाद भाई इन अपकमिंग डेज कार भी ले लेंगे। तो कार का भी प्लानिंग वगैरह हो रखा है, पड़ा बहुत ही जल्द आने वाली भी है।
अच्छी लगी थोड़ी कभी कभी मार लेता हूँ यार, वरना मैं ना मैं नहीं चाहता व्हीली वगैरह करना, मन भर चुका है इन सब चीज़ों से। मतलब सच बताओ तो इस पावर से मन भर चुका है, अब थोड़ा और ज़्यादा चाहिए अपने को। और एक तो पटना की सड़कों पर राइड राइड करके बोर हो चुका हूँ, तो अब लंबी राइड की भी प्लानिंग हो रही है। तो एक राइड तो अपन लास्ट इस बाइक पे करेंगे ही करेंगे लॉन्ग राइड, क्योंकि लॉन्ग राइड का जो प्लानिंग है वो इस पे हमने कर रखा था पहले से ही, लेकिन वो कब होने वाला है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इधर मेरा काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल बिजी चल रहा है। फेब भी ऑलमोस्ट हाफ फेब तो बिजी ही है। ये देखो भाई पीछे बाइक की रैली है, और पीछे पुलिस भी जा रहे हैं भाई सिर्फ और सिर्फ एक यही रीज़न है कि मैं सोलो राइड करना चाहता हूँ। ग्रुप में पता नहीं कौन किधर से आके सटा दे भाई, और ग्रुप में कोई आप किसी को बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि सब भाई कहीं ना कहीं म्यूचुअली निकल जाएंगे, एंड उसमें आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते हो, आपका ही नुकसान हो जाएगा। यार एक और चीज़ बताना आप लोगों को, जैसे होता क्या ना, बहुत लोग भाई फ्लैग खरीद लेते हैं बट फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं करते, बस जब तक भाई उन्हें वीडियोस बनाना है फोटोज़ लेना तब तक रखते हैं, उसके बाद कहीं साइड में गिरा देते हैं। तो गाइस प्लीज़ ऐसा मत करना, अगर आप फ्लैग खरीद रहे हो, फ्लैग आपके पास है तो उसकी रिस्पेक्ट करो यार, और अगर नहीं पॉसिबल है तो जाकर वापस उसी शॉपकीपर को दे दो यार जिनसे आपने ख़रीदा, या फिर किसी भी आप शॉपकीपर को दे दो, सनी कि आप रोड पर ऐसे फेंक दो, क्योंकि भाई मैं हमेशा देखता हूँ कहीं ना कहीं फ्लैग गिरी पड़ी रहती है, आज तो नहीं गिरी रहेंगी कल गिरे रहते हैं, तो ये बहुत बुरा लगता है देखकर। दैट्स द रीज़न मैंने भाई कहीं बाइक पर फ्लैग वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि होता है कि फ्लैग लगाने के बाद कभी कभी टूट के गिर भी जाता, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। तो बस आज की वीडियो को गाइस इतना ही रखेंगे, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे। मिलते हैं गाइस फिर किसी ऐसे दमकदार वीडियो के साथ, अंटिल देन बाय बाय गाइस एंड राइड सेफ राइड हार्ड।